दानियल अध्याय तीन दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरान नाम मैदान में खड़ा करवाया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों हाकिमों गवर्नरों जजों और खजांचियों न्यायियों शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में जो उसने खड़ी करवाई थी आए। तब अधिपति हाकिम गवर्नर जज खजांची न्यायी शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंडोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे बांसुली वीणा सारंगी सितार शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो और जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे बांसुली पीना सारंगी सितार शहनाई आदि शब्द प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और यह कहकर यहूदियों की चुगली खाई वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे, हे राजा तूने जो आज्ञा दी है कि जो जो मनुष्य नरसिंगे बांसुली वीणा सारंगी सितार शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख शद्रक मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है और उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे बांसुली वीणा सारंगी सितार शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो तो उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे और यदि तुम दंडवत न करोगे तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है और जो भी हो, परंतु हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना न करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झल्ला उठा और उसने चेहरे का रंग ढंग शद्रक मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया।
और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजो, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिस पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे तो आग की आँच ही से जल मरे और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तीनों पुरुष बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं क्या देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासो, निकलकर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने, जो इकट्ठे हुए थे, उन पुरुषों की ओर देखा, तब क्या पाया कि इनकी देह में आग का कुछ प्रभाव नहीं और न इनके सिर का एक बाल भी झुलसा और न इनके मोजे कुछ बिगड़े, न इनमें जलने की कुछ गंध पाई जाती है। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर इन दासों को इसलिए बचाया कि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा, वरन यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत न करेंगे। अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद ऊंचा किया।